हमारा जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट एजुकेशन का है और इसमें बेटर एजुकेशन जिसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बीच में दोस्तों आज की जो रूपरेखा है थोड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा। तकरीबन हम लोग आज जैसे मैंने अपने परिचय दिया, मेरा नाम विपुल है फ्रॉम जयपुर से और तकरीबन हम लोग बिजनेस को लीड कर रहे हैं, 115 डेज क्रॉस कर चुके हैं और आज की जो गणित है, जो बिजनेस की जो रेशो है, इतनी बेहतरीन तरीके से लोग इसको समझ रहे हैं और अपनी पोर्टफोलियो की एजुकेशन और बिजनेस की जो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन अधिकतर लोगों के बाद में, अधिकतर जो लोग और भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि उनके पास में अधूरी जानकारी है कि वीटर वाकई में क्या चीज़ है और फ्यूचर के अंदर ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ये अधिकतर लोगों के पास में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो लोग बिजनेस को या तो बड़ा करना चाहते या कर नहीं पा रहे। और केवल जो भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर बिजनेस को कंटिन्यू फॉलो कर पा रहे हैं तो उनको ये चीज़ें इंडिकेशन तो मिल चुका है। जिनके पास में कोई सहारा नहीं है, एजुकेशन नहीं है दोस्तों, वो बिजनेस तो करना चाहता है मगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से, जो बड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहता था और करना चाहता है उनको वो छोटा सा बिजनेस करके चुपचाप बैठे हुए हैं। उसके पीछे कारण केवल एक ही है, एजुकेशन और राइट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज सटीक तरीके से ना मिलने के कारण वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, यह बिजनेस बहुत बड़ा मॉडल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ी अपने साथ में समझने की कोशिश करें कि दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम के अंदर कितना बड़ा मोहरा है, कितनी बड़ी ताकत है, इसको थोड़ी सी विजुलाइजेशन करें तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी गणित नहीं है कि ये समझ में नहीं आए। तो मैं छोटा सा पॉइंट के अंदर आज जो पावर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करूंगा। हमारी जो 15 से 20 मिनट का सेशन ये चलेगा, अगेन हमारा डिविडेंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राइट मैं चलता हूं डायरेक्ट, बीटर पावर प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। राइट यदि किसी का आपका वीडियो ऑन है तो प्लीज इसको ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो नेट की प्रॉब्लम है ये हो सकती है, इसलिए आप अपने आप को इसको ऑफ कर लीजिएगा। राइट दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि कल का इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमारे आनंद परदेशी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आपको कल की जो बिजनेस की एजुकेशन आपको दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए और आने वाले टाइम का फ्यूचर बिजनेस किसके ऊपर कौन सा बिजनेस होने जा रहा है इसके बारे में कल आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। मगर आज मैं बात करूंगा ओनली फॉर बेंड चेंज एवरीथिंग। एक दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुका है जो आने वाला है और आ चुका है कि आने वाला टाइम में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई तरीके की एक इन्वेंशन होकर के हम पूरे दुनिया को एक अलग तरीके की ब्राइट फ्यूचर हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है वीटर। वाइंड एनर्जी एरा टेक्नोलॉजी जो है पूरे दुनिया के अंदर एक नई तरीके का एक टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जो आने वाला टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये रोशनी फैलती जाएगी। मैं आपको सारांश में इसका पॉइंट बताऊं, उससे पहले एक एक करके ग्राफ बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। दोस्तों ये दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का जन्म होने का मेन कारण इसका विजन और मिशन क्या है, दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, यानी कि बिजली पैदा करना और आने वाले टाइम के अंदर इतना बिजली पैदा करना जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है उसकी 80% उस बिजली की मात्रा को यहाँ पर पूर्ति करना, इसका पूरा मेन उद्देश्य इनका यही है। और दूसरा इनका जो मिशन है वो है प्रदूषण खत्म करना। तो दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि बिजली पैदा करना और दूसरा प्रदूषण खत्म करना, इसका मेन मिशन और विजन है, जिसके ऊपर आपको एक ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसके उपलक्ष्य में
आने वाला टाइम के अंदर एनर्जी किस तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां से जनरेट होता है और किस तरीके से हम इसकी मात्रा को पूर्ति कर पाएंगे, हम किसके ऊपर निर्भर है, ये चीज के ऊपर मैं आपको जानकारी यहां देने की कोशिश करूंगा। तो दुनिया के अंदर आप तक आपने बिजली बनाने की स्रोत आपने देखी है, वो स्रोत था पानी से बिजली बनता है, यूरेनियम से बिजली बनाया जाता है, उसके बाद में हमारे पास में सोलर सिस्टम से बिजली बनाया जाता है और भी हवा पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक नॉर्मल तरीके का एक टावर बना करके वहां पर बिजली को खड़ा किया जाए, यानी कि दुनिया का जो नया स्रोत बिजली पैदा करने का वो स्रोत है हवा। हवा से एक इतनी मात्रा में जो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी के तहत इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जो फ्यूचर के अंदर सबको वीट करके ये दुनिया के अंदर सबसे डिमांडेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का एक नई टेक्नोलॉजी हमें देखने का एक अवतार हमें मिलने वाला है, जिसका नाम है वीटर। हम जानते हैं क्या वीटर, इसके बारे में एक एक करके इंफॉर्मेशन हम धीरे धीरे करके लेते रहेंगे, राइट। दुनिया में दोस्तों इसका जन्म क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको बता दूं। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज विंड एनर्जी। ये दुनिया में इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यदि प्रदूषण की मैं बात करूं इसका क्यों जन्म हुआ है, जितनी भी पोल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको खत्म करने के लिए हमारे पास में कोई जरिया नहीं था, मगर आज वीटर ने एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसके तहत जो भी हम लोग पोल्यूशन बना रहे, चाहे वो गाड़ी से हो, फैक्ट्री से हो, तमाम तरह की चीजें जो बिजली हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, प्रदूषण बना रहे हैं, खत्म, जब रास्ता ही नहीं हो तो उसको खत्म करने के लिए हमारे पास में एडवांटेज में एक विंड एनर्जी सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है, जिससे ये क्या करेगा, जितने भी जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो इसके तहत वो हवा के तहत जो भी वो हवा अपनी तरफ खिंचाव की तरफ अपनी तरफ आएगा तो जितने भी हवा के अंदर पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को साफ कर दिया जाएगा, यानी कि हवा के अंदर जो भी कार्बन है और भी बहुत सारी सल्फर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तत्व है, उनको पूरी तरीके से उस हवा को फिल्टर कर दिया जाएगा। यदि हवा फिल्टर हो तो नो डाउट हम लोग डिसएडवांटेज से एडवांटेज की तरफ नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मूव करने वाला है, जिसका नाम है वीटर। दोस्तों ये क्या करेगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड पार्ट, इनकी टेक्नोलॉजी इज इनोवेशन, ये दुनिया के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। ये कोई ज्यादा ऐसी कोई वर्णन वाला काम नहीं है, कोई ज्यादा मेंटेनेंस वाला सिस्टम नहीं है कि ये हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, हर कोई व्यक्ति समझने का बहुत आसान सा जरिया है। जैसे आपके घर में कूलर है, पंखा है, उसी तरीके का टेक्नोलॉजी है, मगर होता क्या है, इनका सेफ तीन चीजों पे निर्भर है, इसका इनोवेशन इस चीज पे निर्भर है, इसकी जो आविष्कार हुआ है वो आविष्कार पंखुड़ियों के बेस में बनाया गया एक सिस्टम है जो धरती से लेकर के 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी कहीं पर भी लगाई जा सकती है। इसके ऊपर जहां पर भी हॉरिजॉन्टल शेप में जहां ये लगाई जाती है, तो लगाने के बाद में यहां पर ऊपर की जो पंखुड़िया है आपकी कूलर की पंखे की तरह या हेलीकॉप्टर की पंखे की तरह ऑटोमेटिकली ऊपर जैसे वो मूव करता है, घूमता है, तो घूमने से वहां पर हवा जो है अपनी तरफ वो खिंचाव पैदा करता है, यानी कि हवा के माध्यम से जो भी यहाँ घुमाव पैदा हुआ तो घुमाव होने से क्या है, हवा अपनी तरफ इंट्रैक्ट पैदा हुआ, जिसकी वजह से जो भी हवा के अंदर कण है, कार्बन है, वो कार्बन आप सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर उनके माध्यम से यहाँ रोटेट हो रहा है, रोटेट होते ही हवा अपनी तरफ खिंचाव हुआ और यहाँ पर हवा को यहाँ इस टेक्नोलॉजी के बदौलत जितनी भी आप कण देख पा रहे हैं, कार्बन देख पा रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत यहां पर इनको फिल्टर किया जा रहा है। फिल्टर करने का जो टेक्नोलॉजी है इसी का एक वर्किंग प्रिंसिपल के तहत नीचे से लेकर के ऊपर तक सॉरी यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इनकी हर पार्ट के अंदर से हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी है, उसी तरीके से इनका जो सेफ है डिट टू, आप टेक्नोलॉजी के अंदर देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर नीचे से लेकर के ऊपर तक हर पार्ट के अंदर इसकी पंखुड़िया इस शेप में लगी हुई है कि इंट्रैक्ट जो भी एयर यहां से फ्लू करेगा तो फ्लू को ऑटोमेटिकली यहां मॉडिफाई करके इनको फिल्टर करने का काम इसकी अंदर की जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली इस काम करता रहेगा। यानी कि इसका इनोवेशन यानी कि पंखुड़िया के द्वारा हवा को इंट्रैक्ट किया, वर्किंग प्रिंसिपल में इनकी जो भी हवा एंटर हुआ
उस हवा को यहां पर फिल्टर करने का काम हुआ और टेक्नोलॉजी के बदौलत इसकी चारों तरफ से इनका सेफ इस कैटेगरी का बनाया गया है कि कोई भी कहीं पर भी चल लेफ्ट हो चल राइट हो या फ्रंट हो या बैक हो, कहीं से भी हवा यदि इनके साथ में इंक्लूड हुआ तो इसी हवा के माध्यम से ऑटोमेटिकली ये टेक्नोलॉजी मूव करने लगेगा। इसकी अंदर की जो पार्ट है जो स्ट्रक्चर पार्ट है ये घूमने लग जाएगा और घूमते ही यहाँ फ्रिक्शन पैदा हो करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसी फ्रिक्शन के माध्यम से घर्षण की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये जनरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, ये जो सेफ है इस सेफ को आप देख पा रहे होंगे, इस सेफ में ये बनाया गया है चाहे धरती के किसी भी कंडीशन में चाहे भूकंप आए या किसी भी कंडीशन जोर हवा आए तूफान आए कुछ भी आ जाए उस सेफ में दोस्तों ये कंडीशन ये है कि 80% दोस्तों किसी भी कंडीशन में ये गिर नहीं सकता है। उस सेप में इसको बनाया गया है और हवा की जो रोटेशन को देख करके इनकी नीचे की सेप प्लस इनकी फ्रंट की जो ऊपर की बिल्कुल सरफेस वाला जो सेप है उस कंडीशन में जितनी भी इंट्रैक्ट इनकी एयर स्पेस है ज्यादा से ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनकी ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी पंखुड़ियां लगी हुई है हर पंखुड़िया ऑटोमेटिकली यहां पर रोटेशन की वजह से फ्रिक्शन पैदा करेगा। ये एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेशन को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, जिसके बारे में लिविंग स्पेस आपको हर स्पेस के बारे में यहाँ पर बताई गई है कि किस किस जगह पे हम इसको आने वाले टाइम के अंदर इसको सेटलमेंट के रूप में स्टेबल कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन इक्विपमेंट है इसके बारे में आप एक एक करके चाहो तो, क्योंकि इसको मैं बताने जाऊं तो कम से कम ये आपका 15 से 20 मिनट का टाइम ले लेगा। तो ऑनली फॉर स्टेबल ऑफ एरिया किसकी जगह पे हम इसको लिविंग स्पेस में जाकर के इसको रोटेट करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे आप लगा सकते हैं और किस तरीके की मॉड्यूल में आपको ये ज्यादा काम करेगा उसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो आप थोड़ी सी महसूस कर सकते हैं कि ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है और कहाँ कहाँ पे लगाने वाला प्रोजेक्ट है। मैं आपको क्लियर बता दूं ये टोटल हवा से बिजली पैदा होने वाला ये टेक्नोलॉजी है। तो डेफिनेट है कि हवा एक ऐसी टेक्नोलॉजी, हवा एक ऐसी चीज है और हवा इतनी इंपॉर्टेंट हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस धरती के अंदर जो भी जीव है तो उसको बिना ऑक्सीजन के हम लोग रह ही नहीं सकते। तो हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एयर यानी कि हवा। हवा के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कभी हमने महसूस नहीं किया, मगर हवा जब ये हमारे टेक्नोलॉजी हवा के ऊपर है तो हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत कहां का सबसे ज्यादा जरूरत कहां पे होगी और सबसे ज्यादा डिमांडेबल कहां पे होगी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के रूप में बताना चाहूं। यदि कहीं सिटी के अंदर आपको लगाना तो सिटी के अंदर सिटी से बाहर कोई एरिया हो जहां पर स्पेस खुला हो और वहां पर हवा यानी कि एयर की जो फिल्ट्रेशन है यानी कि एयर की जो जो वॉल्यूम है और वहां पर एयर की जो कैपेसिटी वो ज्यादा हो और वहां पर लिविंग स्पेस ज्यादा हो, यदि इस कंडीशन में वहां पर हम लोग लगाते हैं तो जिस तरीके से हमारे आसपास आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो टावर है यानी कि बिजली का जो खंभा है बड़ी बड़ी हाई टेंशन की जो लाइन है कितनी ऊंची ऊंची होती है, तो डेफिनेट है कि हम उसको जब हम लोग बाहर लगा रहे हैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर वाला जो रोटेट वाला पार्ट है बाहर लगा रहे हैं उसी तरीके का आप मान के सकते हैं उसी सेप के अंदर ये चीजें बनाई गई है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ये बड़े किसी कंस्ट्रक्शन के साथ में इंक्लूड करके अपने इसको स्टैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि जो बड़ा बड़ा मॉल्स है हॉस्पिटल है उसके बाद तुम्हारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स है बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स है उनके साथ में अपन कंबाइन करके इनको स्टैंडिंग कर सकते हैं। तो जरूरत कहाँ पे है, इनको ऊपर वाला स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से आप इनको देख पा रहे हैं जहां पर भी पब्लिक एरिया हो या हमारी रूरल एरिया हो जहां पर इनको हवा ज्यादा मिलता हो दोस्तों उस सेप के अंदर सबसे ज्यादा काम करेगा। तो हर जगह पे इनको आप देख सकते हैं सेप के अकॉर्डिंग ये चीजें इसलिए बनाई गई है ताकि हर इंसान को किसी भी कंडीशन में चाहे पोल्यूशन के मामले में हो और चाहे किसी भी वर्टिकल सेशन के अंदर हो किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं आए उस सेशन के अंदर ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बेस में इस पर स्टैंडिंग किया गया खड़ा किया गया ताकि आने वाला टाइम के अंदर इसकी हवा की मात्रा जितनी एयर फ्लो होगा उतनी ज्यादा ये टेक्नोलॉजी ज्यादा काम करेगा। तो उसी सेप के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीजें दिखाई गई है एक सेप के रूप में कि आने वाले टाइम में आप विजुलाइज करो ये कहां कहां पे इसको लगाई जा सकती है। दोस्तों एक के वाइंड इज एवरीवेयर, ये दुनिया के अंदर ये पॉइंट क्यों बता रहे, ये पॉइंट बताने के पीछे रीजन क्या है, ऐसी कोई कंट्री नहीं होगा ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर वहां पर हवा नहीं है। यदि हवा दुनिया के अंदर हर जगह पे है तो इसकी डिमांड भी हर जगह पर इसकी है, क्योंकि
हवा और बिजली दोनों एक ऐसी चीज है जो ना खत्म होने वाली चीज है। बिजली हर हर घर की जरूरत है और हवा एक ऐसी चीज है जहां पर भी जाए, चाहे वो ठंड इलाके में हो चाहे गर्मी के इलाके में जाए, जितनी ज्यादा वहां पर ठंडाई कम होगी यानी कि सूखा इलाका होगा तो डेफिनेट वहां पर एयर की फ्लो की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हवा ना हो, और यदि दुनिया में हर जगह पर हवा है तो वहां पर इस प्रोजेक्ट की हर जगह पे इनकी जरूरत है। तो डेफिनेट है ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी एक प्रोटोकॉल के तौर पे इनको समझाने की कोशिश की गई है कि ये किस तरीके की इनका प्रोटोकॉल होता है। जिस तरीके से प्रोटोकॉल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मॉस्को रूस के अंदर, ये केवल आपको समझाने के लिए केवल इंकित करवाया गया है किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी एक प्रोटोकॉल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनका सेफ आप नीचे से लेकर के ऊपर तक इनके बीच में एक रॉड लगी हुई है। इस रॉड के हर बीच के अंदर यहाँ पर पंखुड़ियां लगी हुई है, हर पंखुड़ी के साथ में मैकेनिज्म नीचे टावर लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने यहाँ पर जो जनरेट और इसको कंज्यूम यानी कि जिसको कहते हैं स्टोर करने वाला, जो भी हवा के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और उसी के माध्यम से स्टोर हो करके यहाँ पर नीचे का कंडक्टर सारी चीजें नीचे लगी हुई है। तो ये टोटल नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी यहाँ पर मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यहां से लेकर के आप कितनी भी दूर यहाँ पर इसी टावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दूर दूर जगह पर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल का सिस्टम आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि इसी के थ्रू इस तरीके इनका सेफ होगा, और इससे छोटा हो या बड़ा हो किसी भी सेफ में पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी स्टैंडिंग होगी। जितनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की आप इस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे उतना ज्यादा ये बड़ा होगा। इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी बनाने की वो तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी बिजली इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जा सकती है। यदि मैं 1 मेगावाट की बात करूं और 300 मेगावाट की बात करूं तो जमीन आसमान का फर्क है। जितना बड़ा हमारे पास में प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेट हमारी ऊपर की फ्लू भी उतनी ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी और उसके लिए हमारा लिविंग स्पेस भी हमारा उतनी बड़ी चाहिए। यदि मैं छोटी सी टावर की बात करूं वो तकरीबन 190 मीटर से लेकर के यहाँ पर 1000 के ऊपर के मीटर तक भी इनको लगाई जा सकती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट इसी के तौर पे यहाँ पर लगाई जा सकती है। ये इनका बैक ऑफिस के एक पार्ट है, ये बैक ऑफिस का पार्ट है जहां पर इस टावर को प्रोटोकॉल यानी कि डेमो जो भी इनका काम चल रहा है इसके बारे में पूरी एक एक करके इनका वीडियो देख सकते हैं। सारी चीज यहाँ लाइव वीडियो चलता है। इसके बारे में थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि सर हवा से बिजली तो पहले भी पवन चक्की बनाया करता था मगर उसमें इसमें क्या फर्क है। दोनों का दोस्तों मैं डिफरेंट मेन पॉइंट बताऊंगा, इसकी ओनली फॉर सेफ का बहुत ज्यादा फर्क है। इनके सेफ में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुला मैदान में है और यहाँ पर इसको घुमाने के लिए 7 मिली प्रति सेकंड की हवा की जरूरत पड़ती है तकरीबन, और इसके अंदर जो नॉइज इतनी ज्यादा होता है यहाँ पर डेंजरस पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी जो मेंटेनेंस की बात करूं यदि हवा जोर से आए यदि मेंटेनेंस की बात करूं बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की मैं बात करूं वो बहुत ही ना के बराबर बहुत कम है इसमें। यदि उसके अकॉर्डिंग मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसकी जो शेफ है उस शेफ के अकॉर्डिंग इसकी जो स्टैंडिंग जो पार्ट है इसके अंदर मेंटेनेंस ना के बराबर है, और इसकी जो शेफ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने एक पंखे के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, एक ही टावर के अंदर यदि यहां पर 100,000 यानी 500 तक भी यदि ऐसी पंखुड़ियां लग जाए और जितना ये एक पंखुड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसी तरीके से यहां पर 100 पंखुड़ियां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाए तो दोस्तों इतना कैलकुलेशन तो आप भी जानते हो, यानी कि जो एक पंखा जो यहां पर रोटेट कर रहा है जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और वही जनरेट एक ही टावर के अंदर यदि 100 पंखुड़ियां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाए तो दोस्तों कैलकुलेशन तो आप भी लगा सकते हो, ये 100 गुना इससे कई गुना ज्यादा विदाउट मेंटेनेंस और हायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला टेक्नोलॉजी है। तो इसको आप इसलिए समझ सकते हो क्योंकि यहाँ नॉइस की मात्रा बहुत ज्यादा है, शोरगुल की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पर मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी हवा चले तो भी
इस सेब के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हवा कहीं से भी आ सकती है, तो 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी ऑटोमेटिकली ये टेक्नोलॉजी मूव करेगा, जिसके बदौलत यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा यहां जनरेट करेगा, क्योंकि ये एक पंखुड़िया है, यहां पर 100 पंखुड़िया से भी ज्यादा है। तो डेफिनेट है कि हमारी ये टेक्नोलॉजी उससे कई गुना ज्यादा कारगर साबित है। इस कंडीशन में ये दुनिया के अंदर एक नई तरीके का इनोवेशन है, जो आज तक इनकी 12 पार्ट जो है पूरी तरह से फुल्ली पेटेंट है, जो कोई दूसरा व्यक्ति इसको चुरा नहीं सकता। द एक्सक्लूसिव द राइट यूज टेक्नोलॉजी मिस्टर, इसकी जो राइट इंफॉर्मेशन है, इसकी जो मेन हमारे जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन सर की मैं भूमिका की मैं बात करूं, बहुत ही शानदार फैंटास्टिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यदि रूस के अंदर 100 इनोवेशन के अंदर यदि आज हमारी वीटर जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को उसके अंदर 100 गोल्ड में 100 इनोवेशन के अंदर हमारी वीटर को भी उसके अंदर सिलेक्टेड किया गया है, तो डेफिनेट है है प्रकृति के साथ में चलने वाला एक टेक्नोलॉजी का जन्म यदि इसने किया है, तो डेफिनेटली कि इनको इको फ्रेंडली के रूप में देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों ये डेनिस टैगलियन की जो भूमिका, तो मैं तो सैल्यूट All right, I think विपुल जी का जो है नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, राइट? तो ऑलमोस्ट जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वो ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट हो चुका था, राइट? लेकिन जैसे ही बीच में कनेक्ट रिकनेक्ट होते हैं विपुल जी, विपुल जी अगर आपको कोई पार्ट अगर रहता है तो प्लीज एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। ओके भाई, थैंक यू, सॉरी थोड़ी नेट की डिस्कनेक्ट की वजह से मैं दोबारा करके अभी लाइन पे। मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया के अंदर राइट जो इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको शेयर कर दी है, और अब हम बात करेंगे कि इस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस ही जो आपको मैंने बताई है। मोहित, मेरी स्क्रीन आ रही है? हेलो, यस सर, यस मोहित, कंटिन्यू सर। ओके राइट, थैंक यू। तो डेनिस की सर की मैंने बात बताई, तो दुनिया के अंदर एक बहुत ही फैंटास्टिंग टेक्नोलॉजी का सर ने एक इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो मैं तो इतना मानता हूं सर, हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में हम काम करने का मौका मिल रहा है। और सर दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है, दुनिया के अंदर 75 कंट्री के अंदर इसकी पैटेंट की फाइल लगी हुई है, और तकरीबन जिस कंट्री के अंदर हमारी पैटेंट की फाइल हमारी कंप्लीट होने जा रहा है, ये सारी चीजें कोई भी कंट्री का आप चेक करके देख सकते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो प्रोसीजर आपको दिख जाएगा, और जहां पर कंप्लीट हो चुका है वो भी आपको इन्फॉर्म यहां पर दिख जाएगा। हाउ टू बिकेम ए कोऑनर, जिसके बारे में आज हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं, डिविडेंड फंड और कोऑनर की हमारी स्पेशल बात हमारे मोहित जी के द्वारा सुनेंगे, और इसके थ्रू आज जो इन्फॉर्मेशन डिविडेंड फंड किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से कोऑनर की आप फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सर से सुनेंगे। दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों बहुत ही डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, ये टेक्नोलॉजी हर किसी डिमांड एंड सप्लाई के पीछे बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच सबसे बड़ी, आप समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के अंदर एक ऐसी डिमांड की टेक्नोलॉजी होने जा रही है, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, यदि
आने वाला टाइम के अंदर गाड़ी हो या कोई भी चीजें हो, जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग सब चीज डिपेंड होने वाले हैं, तो डेफिनेट है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर जनरेट करने वाला सिस्टम हमारे हाथ में लग चुका है, तो इसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम किसी के शुरुआत में जो इनको देख पा रहे हैं, जो फ्यूचर के अंदर वो अपने आप को भाग्यशाली माने कि ऐसी टेक्नोलॉजी आपके साथ में इन्वॉल्व है, तो बहुत ही डिमांडेबल टेक्नोलॉजी। मैं शेयर की बात करूं, नो डाउट शेयर के बारे में हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी होने जा रही है दोस्तों ये, तो इसकी हर पार्ट के अंदर यानी कि 2019 से लेकर के 2024 के बीच में इनका जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, धीरे धीरे करके इसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता जा रहा है और धीरे धीरे करके इनकी जो लिस्टिंग का जो टाइम है 2024 तक हम लोग किस तरीके से लिस्टिंग होंगे, क्योंकि इनका 314 बिलियन इनके पास में टोटल प्री आईपीओ है, इसमें से इनका 10% हम लोग टोटल एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम लोग मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। उसके बाकी का जो है कंपनी की स्टॉक में और बड़ी बड़ी जो हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए उनके लिए रखा गया है, तो हम लोग केवल 10% इनके साथ में शेयरिंग पार्टनर है, उसके बाद में को ऑनरशिप की इनकम, डिविडेंड फंड की इनकम हम लोग लेते रहेंगे। दोस्तों आज की न्यूज मैं समझता हूँ कि यहां तक हमारी ये इंफॉर्मेशन रही है, और वीटर जो पावर टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर वाकई में बहुत ही बेमिसाल साबित होने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन आज तक यही रखना चाहूंगा, और हमारे जो मिस्टर कोर पार्टनर मिस्टर मोहित जी के माध्यम से डिविडेंड फंड और इसकी जो सुपरवाइजरी कमेटी का जो इन्फॉर्मेशन सर के माध्यम से सुनेंगे, तो प्लीज मोहित जी यदि मेरी बात आप सुन पा रहे तो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। यस विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके विपुल जी, ओके मैं आपको बताना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स का, मैं मोहित चौधरी राइट दिल्ली से। ओके हम लोग कंटिन्यूसली काफी लंबे समय से मीटिंग को प्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। ओके और अच्छे से हम लोग अपनी टीम को डुप्लीकेट भी करते आ रहे हैं। ओके तो जिस वजह से हम लोगों का बिजनेस ग्रोथ पिछले कुछ दिनों में या कह लीजिए हफ्तों में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है राइट। और हम लोग एक अपनी स्ट्रेटजी के बारे में स्टार्ट थोड़ा सा बताता हूँ उसको राइट, और उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके सब लोग कितना खुश है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे देता हूँ राइट। उसके बाद में हम लोग विपुल जी शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक बेसिकली एक वीडियो है राइट, उसको हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में शेयर्स होता क्या है, फेस वैल्यू क्या होती है राइट, उसकी डिविडेंड वैल्यू किस तरीके से निकलती है। ओके वो थोड़ा सा एक पार्ट है 5 से 6 मिनट का, उसको भी हम लोग ऑनलाइन जाके देखेंगे राइट। बेसिकली वो जो वीडियो का लिंक है वो हम सभी लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दिया था राइट, और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं चीजों को राइट, तो इसलिए हम लोगों ने उसको भी एक अपने सेशन में इन्वॉल्व किया है। ओके विपुल जी प्लीज उस चीज को रेडी करना। ओके जब आपका रेडी हो जाएगा तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा। जस्ट अ मिनट सर लेकिन उससे पहले राइट, उससे पहले आज मैं अपने एक बहुत ही अहम गेस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगा राइट, जो कि बेसिकली दुबई से हैं और वो वीटर को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं राइट। और वो जो पर्सन है जो दुबई से हैं, वो फादर और सन मतलब बाप बेटे दोनों मिलके वीटर को बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं उसमें। ओके तो मैं बोलना चाहूंगा आई थिंक उनका नाम है विनोद कुमार रोशन लाल भल्ला जी, प्लीज अगर मेरी बात को अगर आप सुन पा रहे हैं राइट तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके सो दैट मैं आपको इनवाइट कर सकूं। रोशन लाल भल्ला जी जस्ट अ मिनट। ओके वो अभी शायद बाहर निकल चुके। ओके तो उनके जो कंसर्न अपलाइन में बोलना, हाँ वेरी गुड फैंटास्टिक। सो वेलकम विनोद कुमार रोशन लाल जी राइट, मैं आपके माइक को उधर से अनम्यूट कर रहा हूँ राइट, आप उधर से अनम्यूट कर सकते हैं अपनी एंड से। सर वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइट। और थैंक यू सर, एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बात करें वो प्लीज हिंदी में करें सर। अच्छा जी
राइट ओके सर ओके ओके सर थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत खुशी हुई लेकिन आपने मेरे को इनवाइट किया इतने बड़े मंच में, मतलब मेरे को एक्सप्रेशंस करने के लिए। तो मायसेल्फ विनोद भल्ला, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और आई एम वेरी मच, मेरे को मतलब ये टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे को बहुत शौक है। और क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं हर चीज की ऐसी थिंकिंग को डीप के अंदर जाते रहता हूँ, जाने की कोशिश करता हूँ और जिससे लोगों का भी बेनिफिट बहुत होता है। जैसे हमारी नटबोर्ड की फैक्ट्री थी तो उसमें हमने कैसे इम्प्रूवमेंट किया कि प्रोडक्शन कैसे आसान से मतलब बैग में भरा जाए, ये सब थिंकिंग हम करते थे। ये मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा इनोवेशन अच्छा लगता था, इंटरेस्ट होता था मेरे को कि नटबोर्ड के अंदर जैसे मैं बैग जमीन पे गिरते थे तो उसको हमने क्या किया, खड्डा एक पिट किया मशीन के माउथ के ऊपर जहाँ से बोल्ट स्लाइड से गिरते थे और उसको फिर हमने हुक लगा दिए और हुक में गनी बैग लगा दिया, उससे नटबोर्ड उसके अंदर जाते थे। फिर ट्रिमिंग का पार्ट जो था दैट वाज द मोस्ट टेक्निकल पॉइंट, मतलब आई एम कमिंग टू वीटर, मैं वीटर पे आता हूँ। तो टेक्निकल पॉइंट ऐसा था उसके अंदर जो कटिंग स्टार जो रहते थे ना वो और बोर्ड क्रैक खोल के एक साथ में हो जाते, उसको सॉर्टिंग करने के जाओ तो उंगलियां छिल जाती थी। फिर हमने क्या किया, एक ऐसा स्लाइडिंग एल टाइप ट्रे बनाया हमने, वो एल टाइप ट्रे बनाया तो जैसा बोर्ड का हेड जो था राउंड हेड उसको जब पंच करते थे हेक्सागोनल डाई से तो उसका स्टार जो अलग से वो ट्रे में से निकल के निकल जाता था और बोर्ड सीधा नीचे गिर जाता था। तो ये इससे हमारा टाइम सेव हो गया और इंजरी कम हो गई, मतलब दिस इज माय दिसिंग इनोवेशन। उसी प्रकार जैसा अभी मेरे को ये लाइन में मेरे मतलब जो जानकार हैं मिस्टर शरद, उन्होंने मेरे को इस लाइन में इंट्रोड्यूस किया और फिर मैंने इंटरेस्ट लिया इसके अंदर और मैं इमीडिएटली हामी भर दी इसके अंदर, यस अब मेरे को इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स इज द पल्स ऑफ हार्ट, पल्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब मतलब प्रोग्रेस होती है। तो जैसा आज की डेट में नीड ऑफ द आर इज व्हाट, फ्रेश इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी और फ्रेश एयर। तो ये डिवाइस जब मैं सुना तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, यू सी रियली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया। मैं टेक्निकली मैं इसमें जा रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मैं इसमें मतलब एज ए मेंबर हूँ लेकिन टेक्निकली आई एम डीपली इन्वॉल्व इन दिस। तो जैसा अभी जैसा थर्मल पावर जो है जिसमें जो कोल है, कोल हैज लिमिटेशन, कुछ टाइम तक वो मिलेगा, आज 3 साल 200 साल 400 साल उसके बाद उसका भी एंड रिसोर्स में से होगा नहीं। फिर उसको जनरेट करने के लिए फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, ट्रीज को जलाना पड़ेगा, उसको दबा के फिर कोलसा तैयार होगा, वो कोलसा वो यूज करेंगे। उतना टाइम तक यू अपने पास इतना टाइम नहीं है कि लाइफ को फास्ट करने के लिए। दूसरी बात यूरेनियम, यूरेनियम इज ऑल्सो दिखने को बिजली दूर से बहुत अच्छी दिखती है लेकिन अगर जब कुछ प्रॉब्लम हो गया जैसे फुकुशिमा जापान में फ्लड आए तो पानी जो उसके रिएक्टर में चला गया तो लीक जब हो गया, लीक होने से यूरेनियम का जो मतलब जो है ना दैट इज अ हेल ऑफ इट्स वर्स देन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से भी भयानक ये है। और जैसे रशिया में चेर्नोबिल में भोपाल में अपना भोपाल में जो हो गया था कांड उसके अंदर देखो लोग मतलब ये इनोसेंट पीपल फॉर नो कॉज ऑफ देम दे हैव टू सफर और उनको मतलब ये पड़ा। तो ये सब चीजें, फिर सोलर एनर्जी आप बोल रहे हो दैट इज वेरी गुड, चीपेस्ट एनर्जी बाय नेचर, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको एरिया बहुत लगता है और मेंटेनेंस बहुत लगता है। और उसके बाद में तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उसके अंदर प्रेशर जो लगता है और उसका जो जो एटमोसफेयर जो होता है ना वो एटमोसफेयर सफोकेशन होता है, जो आदमी उधर जाता है वो ट्रेंड आदमी जाता है हाइड्रो जहाँ पे वाटर से जो बिजली तैयार होती है तो उसको वो एक्टिवेटाइज होना चाहिए। उसके अलावा सबसे ये सब देखा तो उसके अंदर पोल्यूशन भी आता है, पोल्यूशन में देखो जैसा एंटार्क्टिका जैसा 5,000 साल पहले तक बर्फ जो टिकी रहती थी हमेशा वो आज वो मेल्ट होने लगी, अगर मेल्ट हो गया तो ऑलरेडी अर्थ जो है दुनिया जो 1/4 है लैंड वो 3/4 ऑफ वाटर है, बट ऐसा टाइम आ जाएगा बाई चांस के 3/4 ऑफ वाटर तो 1/4 को भी गल्फ कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा मतलब निकल लेगा। लेकिन उसके लिए एक जैसा डॉक्टर डैनियल, आई एम गिविंग हिम द नेम
the status as doctor because Dr. Dennis Tagelin, उन्होंने जो ये innovation लाया है, this is catalyst to kill two birds in one stone. एक पत्थर से दो तीर मारना, ये उन्होंने काम करके दिखाया है, जिससे मतलब जहां से एयर जो आती है, एयर को मतलब सक करता है और उसमें से पोल्यूटेड जो फिल्टर है अपने जो इसके वीटे के अंदर लगे हैं, वो फिल्टर से उसको एयर को प्यूरिफाई करके इजेक्ट करता है, वो ऑक्सीजन भी साथ में देता है, जो उसके 10 किलोमीटर का एरिया जो वीटर का जहां भी लगा होगा उधर वो प्रदूषण फ्री एयर रहेगा. दैट मीन्स आदमी की लाइफ बढ़ गई, आदमी दैट मीन्स हिज लाइफ ऑफ अ पर्सन हैज बीन इंक्रीज बाय 10 इयर्स. यू कैन एज्यूम दैट द पर्सन हु इज सपोज टू लिव फॉर 80 इयर्स may live for 90 years because of this technology. दूसरी बात, फिर आपका ये जो एयर में से जो सक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इमीडिएटली यू सी फॉर द टर्बाइन पर्पस. जब वो फैंस जो टेक्निकली फैंस जो रहते ना उसको इस ढंग से बनाया स्पाइनल स्पाइरल जैसा, जैसा पानी का भंवर कैसे रहता है उसके अंदर जो भी पत्थर भीतर भाव के अंदर सब खींच के भंवरे जैसे खींचता है, उसी प्रकार दिस जो अपना वीटर है मैंने स्टडी किया उसको, उसका जो शेप है वो स्पाइरल कॉर्ड जैसा है, स्पाइरल 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 मीन्स पानी का भंवरा जैसा स्पाइरल घूमता वैसा, तो उसके अंदर से 300 डिग्री से एयर किधर से भी उसके अंदर आ सकती, इट कैन सक, इट कैन एनेबल यू सी टू सक द एयर फ्रॉम 360 डिग्रीज फ्रॉम आइदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और हाइट फ्रॉम हाइट से स्काई से और फ्रॉम अर्थ से, बिकॉज इनकी हाइट जो है ना जैसे टावर से टीवी टावर से जैसे बिल्डिंग पे लगी हुई है उसी प्रकार बिल्डिंग के ऊपर जो ये अपना हीटर लगा सकते हैं और जितना ऊपर हाइट रहेगी उतना हवा उधर से उसको एनेबल होगा कि वो अच्छी तरह लेके प्योर हवा, उसका डबल एडवांटेज होगा, हवा भी ज्यादा मिलेगी और हवा भी मतलब थोड़ी फिल्टर भी होगी. सिटी में पोल्यूशन है इसके लिए उसको हाइट जितना होगी उतना अच्छा, उससे वो अपना रिएक्शन जो करते रहेगा वीटर का जो फंक्शन करेगा वो मैन कैन के लिए बून है. और आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी इतनी चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों को काम नहीं, अगर बिजली जैसे ये रिसोर्सेस कम हो गए जैसा आपने जैसे बताया मुझे, मैं देखा और स्टडी किया थर्मल पावर ये उसका लिमिट है, अगर वो नहीं हो गया तो इंडस्ट्री तो स्टॉप होगी, स्टॉप हो गया तो वर्क स्टॉप हो गया, वर्क स्टॉप होने से नो जनरेशन नो प्रोडक्शन नो मनी, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सब चीज साइकोलॉजिकली इसका इफेक्ट होता है. तो कमर्शियली इसका इतना बेनिफिट होने वाला है कि इट्स अ बून सिल्वर स्पून इन वन माउथ लाइक दैट अपन ऐसा बोल सकते हैं. तो उसका इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसको इसका मतलब जो एवर जब तक मतलब जैसा होता है नेटवर्क जब तक है तो गूगल है, जब तक नेटवर्क है तो मतलब एमेजोन है, उसी प्रकार जब तक एयर है तो वीटर है. सो वीटर और हवा ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, यस. तो हस्बैंड कौन है? वीटर. हवा जो है वाइफ, उसको ये दोनों का जब होता है तब जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट होती है प्योर हवा. दिस इज द बेनिफिट दैट वीटर कैन गिव टू एवरी कॉमन मैन, ऑल्सो इंसान जानवर जंगल के लिए भी अच्छा है. पोल्यूशन इससे जो कम होएगा तो उससे मतलब वातावरण अच्छा रहेगा, इरोजन सॉइल इरोजन नहीं होगा, बरसात भी रेगुलर टाइम पे आएगी. ये सब चीज का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका रिपरकशन जो होता है उसका इफेक्ट वो बहुत लॉन्ग स्टेज पे जाता है. इफ यू थिंक इट लाइक दैट जस्ट अपन प्रोजेक्ट को देख के अरे यार चल रहा है वो नहीं, यू हैव टू गो डीप. अगर वो थिंक करोगे तो यू विल हैव टू रियलाइज व्हाट द इम्पोर्टेंस दिस वीटर इज. सो आई सैल्यूट मिस्टर डेनिस टैगलिन फॉर दिस अचीवमेंट. और इसके लिए वीटर के आप एम्बेसडर हो, आप हो गए आनंद परदेशी सर, हो गए बिपिल जी, बहुत अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करते हो, आपका एफर्ट जो है ना इज सैल्यूटिंग सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ तीनों, आपने एफर्ट लिया है. हम तो खाली बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल जो आप काम करते हो वो हम नहीं कर सकते, हम सोच सकते हैं और आपको हम सजेशन दे सकते हैं, तो आप हमारी तरफ से रिक्वेस्ट होकर आगे आगे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये थॉट्स है हमारे, तो दिस इज वीटर का ये फायदा है. तो इसके लिए मेरे बेटे को ही मैंने इसके लिए मेंबर बनाया ताकि एक्सपो 2020 जो होने वाला था वो एक्सपो 2021 में होगा. तो बिफोर दैट यू बी अ मेंबर, दैट मीन्स यू विल बी इजीली नेगोशिएबल
टू एंटर एक्सपोर्ट 2020 फॉर पर्टिकुलरली वीटर. तो मेरे को मतलब बहुत सेटिस्फाइड हो गया इसके लिए. थैंक्स वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू एक्सप्रेस माय व्यूज सर. सो थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. बाय. ओके विपुल जी, आर यू रेडी? यस. थैंक यू. ओके जस्ट अ बिरो सर की मेरी तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू. बहुत राइट इंफॉर्मेशन. सो नाउ प्लीज कंटिन्यू सर. भैया जारी रखिए, मैं तब तक मैं लेके आ गया. ओके नॉट एन इश्यू सर. ओके तो अभी हम लोग एक छोटा सा 5 या 6 मिनट का एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं. राइट, कि डिविडेंड बेसिकली निकलता क्या है. राइट, फेस वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, शेयर वैल्यू क्या होता है. ओके, उसका जो परसेंटेज निकलता है वो किस बेसिस पर निकलता है. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं हम लोग इसमें जानेंगे. राइट, और नो डाउट आज जिस तरीके से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ओके, किस चीज को, अपनी टीम को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो इससे अपने आप में एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है. राइट, कैसा सुकून, कि हम लोग इतने अच्छे से इतने बड़े लेवल में काम कर रहे हैं और कंपनी के इतने इनिशियल स्टेज में, लाइक थर्ड स्टेज में हम लोग हैं. राइट, और यहीं से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. राइट, कुछ पर्सन थे, बेसिकली ये बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ऑफ वीटर ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक इंडिया का पर्सन था. राइट, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी, उनको जब मैंने स्टडी किया तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ गिव एंड टेक वाला, जैसे हमने आज किया और बस नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाए अपने को, तो मतलब वेटिंग और होल्डिंग पीरियड नाम की कोई उधर चीज होनी नहीं चाहिए, ऐसा मैंने उधर स्टडी किया. राइट, तो नो डाउट वहां पे मैंने अपना सजेशंस भी रखा. सजेशन क्या रखा, कि जितने भी नॉनसेंस क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन है इसको यहाँ से रिमूव करो. राइट, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये कि चीजों को बड़ा होने में समय लगता है. राइट, और नो डाउट जैसे जैसे हम लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े रहेंगे, हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो कम होता चला जाएगा. ओके, और एक चीज और बता देता हूं, किसी को अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो ये कि इस टेक्नोलॉजी को, राइट, डेनिस टैगलिन ने इस टेक्नोलॉजी को बना के हम सब लोगों के सामने रख दिया. ओके, हम सब लोगों के सामने रख दिया. ओके, अब इस टेक्नोलॉजी को हिट कौन करवाएगा. राइट, अल्टीमेट जो दिखना चाहिए, फंक्शनिंग इसकी जैसी होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं आप और हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. क्यों, क्योंकि हम लोग फंड्स को, ओके, हम लोग जो फंड्स, जो अपना टीम बिल्ड कर रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. राइट, तो वहां से कंपनी के पास क्या जा रहा है, फंड्स रेज हो रहा है. ओके, क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग के थ्रू. राइट, तो इस टेक्नोलॉजी को हिट कराने में हम सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है. राइट, हम लोग अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, कि वीटर टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने डे वन से काम किया था. अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 3 साल हुए हैं, लेकिन 3 साल जब 30 साल बाद देखा जाएगा ना, तो ये कुछ भी नहीं लगेगा. राइट, लगभग मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और हम बोल पाएंगे गर्व से कि हम लोगों ने इस वीटर टेक्नोलॉजी को सुपर डुपर हिट बनाने में हमारा भी सहयोग था, हमने भी अपने लेवल पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था इसको हिट कराने में. विपुल जी, ये वही वीडियो है क्या जो आपके व्हाट्सएप पे गई हुई है? सेकंड. हाँ जी, सेकंड, दूसरी वीडियो है ये, दूसरी है. पता नहीं है किस तरीके से, चलो एक बार प्ले करो. कितनी लंबी है, लेकिन लंबी बहुत है ये. प्ले करो, तकरीबन 5-7 मिनट की है. चलो एक बार प्ले करो. ओके, तो हम लोग देखते हैं एक बार इससे डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड, ये दो चीजें हैं. राइट, एक बार स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या है. ओके सर, कंटिन्यू. डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको देख लिया है, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, और इसके अंदर जो डेट इंक्लूड है, लाइक यहां पर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, पेआउट डेट क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं. सर सिस्टम की आवाज बढ़ाना एक बार. अगर एक बार हमेशा रहेगा, तो मैंने कोशिश की इस वीडियो के अंदर
चाहते हैं, ये वीडियो कितना भी बड़ा हो, सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दोबारा आपको कभी भी डिविडेंड डिविडेंड डील या रिकॉर्ड डेट वगैरह जो भी डेट यहाँ पर होती है, इसके अंदर कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट। देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज होती है, उसके अपने कुछ शेयर होल्डर होते हैं जिन लोगों ने कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और कंपनीज यहाँ पर कुछ काम करती है और उससे यहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो उस प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर देती है, यानी वो कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर में ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिविडेंड। और कुछ पैसा यहाँ पर फ्यूचर के लिए नए प्रोजेक्ट के लिए रिटर्न करती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिटर्न अर्निंग। ये प्रॉफिट में से कंपनी यहाँ पर रखती है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग को ये देखना है कि कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देती कैसे है, उसको पहले हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो कंपनी जब आपको यहाँ पर डिविडेंड देती है तो वो एक्सप्रेस कैसे कर रही है, किस फॉर्म में वो आपको डिविडेंड दे रही है, उसके यहाँ पर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, यहाँ पर कंपनी ये बोलती है कि हम आपको पर शेयर बेसिस पे डिविडेंड यहाँ पर दे रहे हैं। लाइक अगर आपके पास यहाँ पर 1000 शेयर है और हमने एक शेयर से 17 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 17000। तो ये आपका डिविडेंड हो गया यहाँ पर। और कई बार यहाँ पर जो कंपनी डिविडेंड पे करती है वो एक्सप्रेस करती है हम लोग को यहाँ पर परसेंटेज, फेस वैल्यू का कितना परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर कई बार हम लोग जब न्यूज वेबसाइट देखते हैं तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कंपनी ने 340% का डिविडेंड दिया। तो क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर 340% ऑफ किसका, फेस वैल्यू का। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर ली कि फेस वैल्यू क्या होती है, तो 340% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर किसी स्टॉक की यहाँ पर 5 रुपए, तो यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट होगा कि 340% डिवाइड बाई 100 × 5, फेस वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 17 रुपए पर शेयर का आपका डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल गया। तो एक्सप्रेस कैसे भी करे कंपनी, हम लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड। तो यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं होती कि कंपनी आपको हर साल यहाँ पर डिविडेंड दे। अगर कंपनी को ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, अगर हम लोग उस फंड को किसी बेटर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं और वहां से हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो कंपनी आपको डिविडेंड ना दे। तो ये कंप्लीटली डिस्क्रिशन पावर के ऊपर होता है कंपनी। और अभी हम लोग यहाँ पर बात करते आ रहे हैं कि कंपनी काम करती है, उसे प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसके बाद में उसकी हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर को देती है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि तब क्या, जब कंपनी को यहाँ पर लॉस होगा तो क्या कंपनी लॉसेस के अंदर हम लोग को डिविडेंड दे सकती है? देखिए जनरली डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, बट यहाँ पर जिन कंपनीज के पास हेल्दी कैश रिजर्व होता है, यानी कि पिछले सालों की कमाई इतनी ज्यादा होती है, रिटेंड अर्निंग इतनी ज्यादा होती है, तो उसमें से वो फिर भी यहाँ पर लॉसेस होने के बाद भी डिविडेंड पे कर सकती है। वो ऐसा यहाँ पर इसलिए करती है ताकि जो शेयर होल्डर है उनके साथ में वो ट्रस्ट बना रहे। किसी भी कारण से कंपनी अगर नेगेटिव लॉस बुक करती है या उसके स्टॉक प्राइस यार नीचे है, तो ऐसे समय में भी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और अगर कंपनी को यहाँ पर ये लगता है कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतनी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, तो ऐसे में कंपनी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बजाय आपको यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, आपको यहाँ पर डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कंफ्यूजिंग टर्म आती है, डिविडेंड यील्ड। देखिए इनसे हम लोगों को डरना नहीं है, जब तक हम लोग इसको समझते नहीं है तब तक हमारे लिए यहाँ पर डाउट बना है। तो डिविडेंड यील्ड क्या है, ये एक रेशियो है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी कितना एनुअल डिविडेंड यहाँ पर दे रही है कंपेयर टू इट शेयर प्राइस, कितना एनुअल डिविडेंड कंपनी यहाँ पर दे रही है कंपेयर टू इट शेयर प्राइस, ये एक रेशियो हमको बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड, यानी कि कितना एनुअल डिविडेंड दिया, डिवाइड बाय शेयर प्राइस इनटू 100, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए जैसे आप बैंक अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट के अंदर आप कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं, लेट सपोज आपने साल भर के लिए यहाँ पर 100 रुपए डिपॉजिट कर दिए अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वहां पर 4% का इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो आपने साल भर में कर ली 104, यानी कि 100 रुपए आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किए या फिर सेव किए, तो उससे आपको 4% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला। सिमिलरली वही बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड के अंदर, यानी कि अगर आपने कुछ 100 रुपए का स्टॉक खरीदा तो उससे आपको कितना डिविडेंड मिला, लेट सपोज आपको यहाँ पर 5 रुपए का डिविडेंड मिला, तो स्टॉक खरीदने के बाद हम लोगों को इतना परसेंट का डिविडेंड मिल गया, ये हम लोग यहाँ पर पता कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड के अंदर। स्टॉक का एप्रिसिएशन तो अलग बात है, स्टॉक यहाँ पर आपने 100 रुपए का खरीदा था आज वो 300 रुपए हो गया, वो एक प्रॉफिट अलग बात है, बट उससे हम लोग साल का डिविडेंड कितना अर्न कर रहे हैं वो हमको डिविडेंड यील्ड बताता है यहाँ पर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इन्फोसिस यहाँ पर कितना डिविडेंड देता है, उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, 2.37 उसकी डिविडेंड यील्ड है। अशोक लेलैंड की डिविडेंड यील्ड क्या है, 3.44 है। अब यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो चेंज हो रही है स्टॉक प्राइस के साथ में, वो कैसे होती है अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर इंडियाबुल्स हाउसिंग
डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगा, 3/60 × 100 तो 6% का इसका डिविडेंड यील्ड हो गया। यानी कि अगर हम ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 6% तो हम ऐसे डिविडेंड से कमा लेंगे। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हो या डिप्रिशिएट हो वो यहाँ पर आपको देखना है, पर डिविडेंड यील्ड हमको बता रही है कि हम लोग साल का कितना परसेंट उससे कमा सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कई तरह की वेबसाइट है जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर शेयर करी गई है। अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर हैं तो वहाँ पर ऐसी वेबसाइट मैंने वहाँ पर डाली हुई है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनी का है, रियल डेटा आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये दोनों टर्म डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड ये आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें अभी हम लोगों को कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं करना। तो अभी हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है उसका, एक फ्लो चार्ट क्या है जो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो हम लोग को कैसे मिल रहा है वो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक एजीएम मीटिंग होती है हर कंपनी की हर साल, इसके अंदर शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ये डिसीजन लेती है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं और ये डिसीजन लेते हैं या अनाउंस करते हैं कि आप किया जाएगा। तो एजीएम के अंदर यहाँ पर ये डिसाइड हुआ, तो जिस टाइम ये डिक्लेरेशन हुआ उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। अब अनाउंस करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो शेयर थे थ्रू आउट द डे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ट्रेड होते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये डिफिकल्ट होता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन एलिजिबल है यहाँ पर डिविडेंड लेने के लिए और कौन नहीं है। तो उसके लिए कंपनीज यहाँ पर क्या करती है कि जब यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होती है, जब यहाँ पर बोर्ड जो है वो मिलता है और अनाउंस करता है, तो उसके अंदर वो यहाँ पर ये भी अनाउंस करता है कि उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है और उसकी पे आउट डेट क्या है। ये दोनों यहाँ पर चीजें डिसाइड हो जाती है कि आपको डिविडेंड कब मिलेगा और उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। देखिए रिकॉर्ड डेट को पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिसमें कंपनी अपने रजिस्टर के अंदर देखती है कि कौन से शेयर होल्डर मेरे पास इस डेट तक यहाँ पर है, वो हमारे रिकॉर्ड डेट होती है। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है वो थ्रू आउट द डे ट्रेड हो रहा है, थ्रू आउट द ईयर ट्रेड हो रहा है, तो कैसे एलिजिबल इन्वेस्टर को निकाले उसके लिए यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। नॉर्मली यहाँ पर जो गैप होता है इन दोनों डेट के बीच में वो 30 डेज के आसपास होता है नॉर्मली, इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, पर 30 डेज के आसपास का गैप होता है। अब आपको यहाँ पर एक डेट दिख रही है एक डेट या फिर एक डिविडेंड डेट हम जो भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर क्यों होती है इसकी जरूरत हम लोगों को इससे पड़ी कि लेट्स सपोज कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट दी 1 तारीख की, रिकॉर्ड डेट हो गई उसकी 30 तारीख, तो एक डिविडेंड डेट यानी कि वो 28 देगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो सेटलमेंट होते हैं वो T+2 डेज में होते हैं और ये हम लोगों ने सेटलमेंट वाले वीडियो के अंदर देखा था। तो ये 2 बिजनेस डेज होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर संडे सैटरडे को हम लोगों ने काउंट कर लिया, बिजनेस डेज होना जरूरी है। बट हम लोगों ने एग्जाम्पल भी समझ लिया कि 30 तारीख को रिकॉर्ड डेट है और अगर यहाँ पर हॉलीडेज नहीं है तो 28 तारीख के दिन उसकी एक डेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 28 से पहले अगर स्टॉक खरीद लेंगे तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे डिविडेंड लेने के लिए। और डिविडेंड पे आउट डेट क्या होगी हमारी? डिविडेंड पे आउट डेट वो डेट होगी जहाँ पर हम लोग को फाइनली डिविडेंड रिसीव होगा। अब ये डिविडेंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी रिसीव हो सकता है, आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने लिखी हुई है, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ 21 जुलाई के दिन 2018 में, TCS ने अनाउंस किया कि हम लोग यहाँ पर डिविडेंड देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर 2 डेट डिसाइड की, सबसे पहले रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताई, उसके बाद यहाँ पर बताई कि पेमेंट डेट कब होगी। तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 15 सितंबर है, यानी कि हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे कि जो यहाँ पर इस डेट तक हमारा शेयर होल्डर होगा वो सभी लोग यहाँ पर डिविडेंड रिसीव करेंगे। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पर एक डिविडेंड से पहले 14 से पहले अगर आप यहाँ पर स्टॉक को खरीद लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड लेने, क्योंकि जो भी शेयर आप यहाँ पर खरीदेंगे तो वो T+2 डे में सेटल होगा और पेमेंट डेट इसकी यहाँ पर 2 अक्टूबर। इस दिन आपको जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर है जो रिकॉर्ड डेट के दिन अवेलेबल है उसको यहाँ पर डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये डेट हम लोगों को कहाँ पर दिखती है, तो अभी हम लोग अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ पर इन डेट को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल्स निकाली हुई है इंफोसिस की। तो आज की डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हो रहे हैं यहाँ पर 13 जून 2019 और यहाँ पर जो एक डेट है ओके विपुल जी इंफोसिस वो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा आगे हो जा रहा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बस मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा सभी लोगों को जो हमारे बचे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, कि क्योंकि लास्ट तक रुकना इसलिए अच्छा होता है कि पूरी मीटिंग का जो समरी होता है वो लास्ट में ही निकल के आता है। ओके, तो हमने पूरी की पूरी मीटिंग को अटेंड किया, लास्ट में हमने डिविडेंड यील्ड इस तरीके से हमने देखा और डिविडेंड किस तरीके से काउंट होता है, नो डाउट ये सब भी हमें समझ में आ गया, राइट। अब मोटिव की बात करते हैं, राइट, अब मोटिव की बात करते हैं। लेट्स से डेनिस जैगलिन बोलते हैं कि हम लोग अपने शेयर को विटर शेयर को मिनिमम $1 पे लिस्टेड करेंगे। ओके,
$1 पे लिस्टेड करेंगे। ओके, अब उस पे मान के चलना कि अगर एक शेयर के ऊपर ₹1 अगर आता है डिविडेंड, ओके, और जिसने जितना भी शेयर बाय कर रखा है उसको ₹1 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है, मजे की बात बताता हूँ कि सभी लोग, राइट, सभी लोग जो हमारी कोर टीम में अभी एसोसिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं को फाउंडर, सभी का टारगेट सिर्फ एक ही है कि 1 करोड़ हम लोगों को कैसे भी करके बनाना है विटर शेयर। ओके, क्यों? क्योंकि अभी जो वैल्यू है विटर शेयर की, अभी थर्ड स्टेज में 14 पैसा है। ओके, ये कोई ₹50 ₹100 नहीं है जहां पर हम लोग विटर शेयर को अभी नहीं बना सकते, अपना एसेट, अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। ओके, और ऑब्वियसली अगर ये ₹1 से ऊपर जाता है, ₹10 होता है, ₹50 होता है, ₹100 होता है, तब तो और टफ। ऑलराइट, तो तब तो ये और भी टफ हो जाता है, राइट, कि जब इसका प्राइस बढ़ना चालू होता है, राइट। और अभी अभी हमारे पास में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल दीजिए, गोल्डन चांस बोल लीजिए, जो मनाए वो बोल सकते हो इसको। अभी चीजें हमारे सामने है, राइट, और प्लीज मैं तो बस यही बोलूंगा कि इग्नोर मत करो। ओके, नो डाउट, हर चीज में रिस्क होता है, रिस्क अपनी जगह होता है, जो रिस्क लेता है वो प्रॉफिट भी खुद ही लेता है, राइट। तो अल्टीमेटली जो मोटिव है वो समझ में आया होगा, राइट। अगर हम 1 करोड़ वीटर शेयर को 2023 तक भी अगर हम बना लेते हैं, 14 स्टेजेस के खत्म होने से पहले पहले भी अगर बना लेते हैं ना, तो अगर कंपनी, देखो जब मिनिमम $1 पर वीटर शेयर लिस्टेड होगा तो उस पे मिनिमम ₹1 का तो, राइट, मिनिमम ₹1 का तो डिविडेंड आएगा ही आएगा। ओके, तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि चलो भाई जब से डिविडेंड चालू होगा तो डिविडेंड में भैया ₹1 तो आना चालू हो गया। ओके, अब अगर ये बोलते हैं कि अगर हम कहते हैं चलो ₹1 भी बहुत बड़ी चीज है यार, कोई बात नहीं, 10 पैसे ले लेते हैं, राइट, और कंपनी दे सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। ओके, जैसे ही इनका सेटअप होगा तो ये चीजें बहुत तेजी से चलेंगी, नहीं भागने लगेंगी फिर ये, राइट। अगर ₹1 बहुत बड़ी चीज लगता है तो 10 पैसे से कैलकुलेट कर लो, राइट, तो भी वो आप देखोगे कि ₹10 लाख तक भी होता है वो, ऑलराइट, तो ₹10 लाख भी सालाना कुछ कम नहीं होता। तो प्लीज मैं इसी के साथ में बोलूंगा कि अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहिए, राइट, और अपनी टीम को डुप्लीकेट करना सिखाइए, राइट। आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट वे में चीजों को बताइए। क्यों? क्योंकि जब कंपनी हमसे कुछ नहीं छुपा रही तो हम क्यों छुपाएं कंपनी से, हम क्यों छुपाएं अपनी टीम से, राइट। जो हमें, जो हम यहाँ से सीखते हैं, राइट, या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं सीखने के, उन चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बताइए, राइट। और प्लीज किसी को भी मिसलीड, मिसगाइड मत कीजिए कि भैया आज लगा दो तो अगले साल ही या 2023 में ही लिस्टेड हो जाएगा, आपका तो इतना डिविडेंड बन के तैयार है। मत बोलो किसी को, सीधा सीधा बोलो सर यहाँ पे आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो अपने फंड को, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे वो आपका दिमाग नहीं खाएगा, जिस तरीके से आप अपने काम पे लगे हुए हो वो भी अपने काम पे लगा रहेगा, राइट। और इसी तरीके से हमारा जो टाइम गैप है 5 ईयर का, वो हम लोग बहुत ईजी तरीके से हम लोग निकाल जाएंगे और हम लोग एक बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा हम लोग एक पोर्टफोलियो के साथ में बहुत अच्छा डिविडेंड लेने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे उस टाइम पे। इज देयर एनी वीडियो इन विच डेनिस जैकलिन से वी विल एटलीस्ट, यस सर, बलजीत सिंह जी बिल्कुल है वीडियो सर, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो मैं इसी के साथ ही आज का सेशन में कंप्लीट करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी अभी 10:15 हो चुके हैं, राइट। तो आज के सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, और कल के सेशन में हम लोग कुछ अच्छी चीजों के साथ में प्रेजेंट करेंगे, राइट, नो डाउट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हितेश सोनी सर मैं भेजूंगा, बिल्कुल डेफिनेटली मैं सभी को ग्रुप में डालूंगा वो वीडियो, राइट, तो उससे चीजों को और क्लियरिटी मिलेगी, राइट, वो चीजें और ज्यादा क्लियर वे में हम लोगों को अप्रोच कर पाएंगे कि ये देखो सर इस तरीके से मिनिमम है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए।